आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश के आदेशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के चलते आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी जीएल मरावी के नेतृत्व में अवैध कच्ची शराब निर्माण की सूचना के आधार पर कुंडम के ग्राम खरहर घाट में दबिश दी गई। गांव में एवं गौर नदी के किनारे कार्यवाही के दौरान अलग अलग स्थानों से एक चड़ी भट्टी सहित 55 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मंदरा एवं 26 प्लास्टिक के ड्रमों में भरे हुए लगभग 5200 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया और उन्हें मौके पर नष्ट किया गया। साथ ही मौके से 3 आरोप के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। और मुरैना की घटना को देखते हुए और वर्तमान में अभी होली त्यौहार को ध्यान में रख करके अवैध शराब के विक्रय निर्माण एवं परिवहन पर सघन जांच की जा रही है। इसी तारतम्य में आज जो है तो ग्राम खरहर घाट जो गौर नदी के किनारे है वहां पर दबिश दी गई। सूचना प्राप्त हुई थी कि बहुत सारा कच्ची शराब वहाँ पर बनाया जाता है, तो दबिश देने पर जो है तो एक चढ़ी भट्टी और कम से कम 25 ड्रमों में महुआ लाहन 5000 केजी के आसपास बरामद की गई है और 55 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब भी बरामद की गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और शेष की पतासाजी की जा रही है।